हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फाइंडिंग फिगर्स। आपको बोर्ड पे कुछ ड्राइंग दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दो केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। देयर आर मेनी केसेस, बट हम लोग सारे केसेस को कंप्लीट करेंगे डिफरेंट वीडियोज में। एक सीरीज चलेगा ये फाइंडिंग फिगर्स का। इस वीडियो में हम लोग दो केसेस को डिस्कस करेंगे, केस नंबर वन एंड केस नंबर टू। यहाँ पर आपको फिगर्स दिख रहा है, ड्रॉइंग दिख रहा है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि देयर आर हाउ मेनी ट्रायंगल्स, प्रत्येक ड्रॉइंग में कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो सकते हैं, ये आपको यहां से फाइंड आउट करना है। सो मैं वाईके सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखेंगे यहाँ पे केस नंबर वन का फर्स्ट ड्रॉइंग। यहां से आपको फाइंड आउट करना है कि इस ड्रॉइंग में कितने ट्रायंगल्स हैं, टोटल ट्रायंगल्स का नंबर कितना है, दैट मींस त्रिभुज कितने हैं, इसमें आपको फाइंड आउट करना है। तो आप बोलेंगे तो बहुत इजी है, यहां पर ये वन टू और ये पूरा जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, टोटल थ्री ट्रायंगल्स है, वेरी गुड। लेकिन देखेंगे इस केस में आपने बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिया, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे आपका जो प्रोसेस है वो लेंथी और डिफिकल्ट होते जाएगा। आपने क्या किया, इस छोटे वाले ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को काउंट किया वन और ये हो गया वन, और टोटल जो बड़ा वाला ट्रायंगल था उसको आपने काउंट किया, टोटल थ्री ट्रायंगल्स मिल गया, वेरी गुड। लेकिन इसको हम लोग सीखेंगे डिफरेंट वे में, बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे। हमको करना क्या है, यहाँ पे जस्ट हम लोग देखेंगे कि जो बेस लाइन है, ध्यान देंगे जो ये बेस लाइन है इसको हमको देखना है और ये फाइंड आउट करना है कि जो बेस लाइन है ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है। दैट मीन्स देखिए ये बेस लाइन यहाँ पार्ट वन और ये एक वन, दैट मीन्स दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो यहाँ हम वन लिख लेंगे और यहाँ पे टू, जितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है उसको हमको क्या करना है, लिखते चले जाना है। इस केस में ये जो बेस लाइन है टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, वन एंड टू। अब इसको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो वन प्लस टू एड करेंगे तो कितना आएगा, थ्री। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस ड्रॉइंग में कितना हो जाएगा, थ्री। आप बोलेंगे मैंने भी तो कैलकुलेट किया था और वो भी बिल्कुल करेक्ट था, वेरी गुड, वो भी बहुत करेक्ट था। लेकिन हमको क्या करना है, इसको काउंट करके फाइंड आउट नहीं करना है, बिकॉज उसमें काफी समय लग जाता है। हमको क्या करना है, इसको शॉर्ट ट्रिक यूज करके फाइंड आउट करना है। इस केस में देखिए, अब आप काउंट कीजिए, आपको काफी समय लग जाएगा, लेकिन जो मैं ट्रिक आपको दे रहा हूं उसमें विद इन 5 सेकेंड आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए ये बेस लाइन कितने पार्ट में डिवाइड है, वन टू थ्री, तो टोटल थ्री पार्ट्स में डिवाइड है बेस लाइन। अब इसको क्या करना है, प्लस कर देना है। तो वन प्लस टू थ्री प्लस थ्री सिक्स, तो टोटल नंबर कितने हो गए, सिक्स। दैट मीन्स इस केस में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, सिक्स। सेम वे में चाहे जितने भी बेस लाइन में डिवाइड हो हम इसको काउंट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम वे यहां देखिए, अब अगर आप यहां काउंट करने बैठेंगे तो आपको काफी समय लग जाएगा और ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि आपका आंसर जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जो मैं वे बता रहा हूं उससे आपको कैलकुलेट करने में मैक्सिमम इसमें भी आपको 5 सेकेंड लगेगा और जो आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए यहां वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अब क्या करना है, इस सबको ऐड कर लेना है। यहां पे ये सबको ऐड करना है, तो अब आप ऐड कर रहे होंगे, मुझे पता है किस तरह से ऐड कर रहे होंगे, वन प्लस टू थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस फोर। लेकिन हमको स्मार्ट वे में काम करना है, अब इसको ऐड करने में भी आपको समय लग जाएगा, तो इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। जब ये बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा तो यहां पे एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब आप बोलेंगे ये क्या है, तो ये n इंटू एन प्लस वन बाई टू जो फॉर्मूला होता है ये होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, अगर काउंटिंग नंबर हम लोग वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन जहां तक भी एड करना हो उसके लिए हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। वेयर n, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने नंबर्स को हमको ऐड करना है। अगर 1 से लेकर 50 तक ऐड करना है तो यहां पे n क्या हो जाएगा, 50, 50 जो है वो n हो जाएगा। इस केस में हमको 1 से स्टार्ट करके कहां तक करना है, 7 तक, तो यहां पर n क्या हो जाएगा, 7। तो जस्ट हम वैल्यू बैठाएंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 8 बाई
2 से इसको कैंसिल करेंगे 4 और ये आ गया 28। दैट मीन्स इस केस में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे 28। आप ऐड कर सकते हैं, ऐड करके भी सेम आंसर आएगा। अदरवाइज सिंपल आपको याद रखना है कि जितना नंबर रहेगा लास्ट में उससे 1 ग्रेटर, दैट मीन्स यहां 7 है तो उससे 1 ग्रेटर क्या होगा 8। अब 8 और 7 को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना है, बस यही काम करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं केस 2 को। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल आएगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, सो दैट मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट को। दैट मीन्स ये सेकेंड केसेस में देखिए सेम ड्रॉइंग है अप्रोक्स, सिर्फ क्या किया गया है बीच में उसको कट कर दिया गया है कहीं 1 time और कहीं पे 2 times। तो फ्रेंड्स ये चाहे जिस तरह का भी कट हो, मींस एक बार कट हो या 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, हमारा कैलकुलेशन सेम होगा। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां भी आपको कैलकुलेशन सेम प्रोसेस में करना है, जस्ट क्या करना है काउंटिंग करना है बेस लाइन को कितने भागों में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए यहां बेस लाइन को 1 and 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सो 1 + 2 कितना हो गया दैट इज 3। यहां देखिए यहां भी बेस लाइन को 1 and 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3, और ये 3 और ये 3 दोनों मिलकर कितना हो गया दैट इज 6। इसका मीनिंग ये हो गया कि इस ट्रायंगल में टोटल जो ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे 6 होंगे। आपको सिंपल क्या करना है, देखिए मैंने यहां दोनों कैलकुलेशन किया लेकिन आपको दोनों कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ बेस लाइन को कैलकुलेट करना है और उसको डबल कर देना है। अगर ये 2 बार मींस 1 और 2 बेस लाइन आपको मिले तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर यहां पे 3 बेस लाइन मिले आप उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 बेस लाइन मिले 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड सो ऑन, चाहे जितना भी बेस लाइन रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इस केस में भी देखिए यहां 1, 2, 3, 4 इन चारों को ऐड कीजिए तो 1 + 2 = 3 + 3 = 6 + 4 = 10। दैट मीन्स ये आ गया 10। अब हम क्या करेंगे, यहां पे कितना बेस लाइन है, एक ये रहा और ये रहा, मीन्स 2 बेस लाइन है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 20। देयर इज टोटल 20 नंबर्स ऑफ ट्रायंगल इन दिस फिगर। इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड केस। अब आप समझ गए होंगे इसको कैसे कैलकुलेट करना है, 1, 2, 3, 4 यहां भी आप इसको ऐड कीजिए 1 + 2 = 3 + 3 = 6 + 4 = 10। आपको इस फॉर्मूला से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लास्ट में कितना आया 4, दैट मीन्स हमको इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, तो 4 × 5 कितना आएगा 20 और 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10। और यहां पे आप बेस लाइन देखिए 1, 2, 3 बेस लाइन है, इसलिए इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 30। इसका मीनिंग हो गया इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं 30। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले, और साथ ही साथ मुझे ये भी पता चले कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा ताकि इसके सीक्वेंस को मैं आगे बढ़ाऊं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट मींस केस नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ये कंटिन्यू चलते जाएगा जब तक कि टोटल इस तरह के जो जितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स है इसको मैं कंप्लीट ना कर लूं। फ्रेंड्स आपको किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मैं अपने वीडियोस में इंप्रूवमेंट करूं और जो कंटेंट आपको चाहिए वो कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।